फिरोजाबाद में आईएमए की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर सुहाग नगरी में भी नजर आया, जहां शहर की सुभाषराह गांधी पार्क चौराहा, जिला अस्पताल के सामने सेंट्रल चौराहा, स्टेशन रोड, बड़ा डाकखाना, जलेसर रोड व कई अन्य क्षेत्रों में खुलने वाले प्राइवेट डॉक्टर्स के क्लिनिक, हॉस्पिटलों की सेवाएं मरीजों के लिए बंद रही, क्योंकि वे पूरी तरह बंद रही। तो वहीं इसका असर मरीजों व उनके तीमारदारों पर भी पड़ा। कई स्थानों पर दूर दूर से आने वाले मरीजों को निराशा हाथ लगी, उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि बहुत से मरीज के तीमारदारों को तो ये भी पता नहीं था कि किस लिए डॉक्टर्स ने हड़ताल किया। खैर, चिकित्सकों की है हड़ताल मरीजों को पूरे दिन परेशान करती रही। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। मेरा नाम बंगर राजपूत है, मैं इटावा जिले का रहने वाला हूँ। मैं अपने माताजी को यहाँ पे लेके आया था इलाज कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि आज हड़ताल है और सुबह 5 बजे का यहाँ बैठा हुआ हूँ। और डॉक्टर का नाम अपूर चतुर्वेदी है। एमरजेंसी मरीज को ले यहाँ ले आया कि क्या करूँ, ये आप देखिए, ये पीड़ित बड़ी हुई हैं हमारी माता जी। मैं सहावर से, कासिम जिला से आया हूँ। इससे मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण मैं प्राइवेट डॉक्टर के पास आया था। उनकी हड़ताल है तो वहाँ से लेकर मैं सरकारी ट्रामा सेंटर में आया हूँ, वहाँ पर से दवाई दिलवाई थी। अब यहाँ पर कितने बजे आए थे आप अपने घर से? मैं आया था 12:30, यहाँ आ गया था 12:30 बजे।